हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू के बीसीए कोर्स के बारे में। यहां पे मैं आपको आईपीयू के बीसीए कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन लेने के लिए कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, उसका पैटर्न या सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से हैं, सीटें कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, इस तरह की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? तो पहला क्राइटेरिया यह है कि या तो आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो, या आप क्लास 12th पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, और आपने अपने क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, और साथ में आपने अपने क्लास 12th में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो, और इंग्लिश के साथ आपने मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा हो। तो ये तो बात होगी क्लास 12th के बेसिस पे अप्लाई करने की। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने कम से कम 3 साल का डिप्लोमा किया हो पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पे आपने कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। तो या तो आपने क्लास 12th वाला आपको पूरा करना होगा क्राइटेरिया, या फिर डिप्लोमा वाला। अगर आप इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको देना होता है एक एंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है आईपीयू, और एग्जाम को बोलते हैं आईपीयू सीईटी। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको एक सेंटर पे जाना होगा और वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम करना होगा। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 hours and 30 minutes का टाइम दिया जाएगा, और जो एग्जाम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा। वहीं पे अगर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस आईटी एंड साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन होगा मैथमेटिक का, यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा सेक्शन होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको इसके सिलेबस को और डिटेल में जानना है कि यहाँ पे किस सेक्शन से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आईपीयू बीसीए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक दिखेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। वो पूरा आर्टिकल आईपीयू के बीसीए कोर्स में लिखा गया है, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल में आप जब नीचे आएंगे तो वहां पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, तो वहां से आप इनका डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि आईपीयू में बीसीए के कोर्स में किस तरह से एडमिशन होता है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना होगा, और इसके लिए आपको 1200 रुपए की फीस का पेमेंट भी करना होगा। अभी फॉर्म कैसे फिल करना होता है तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर वीडियो को देख के अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या, सब कुछ उसमें लिखा होगा। उसके हिसाब से जाके आप लोग अपना एग्जाम दे आएंगे। अब एग्जाम देने के फिर करीब 2 हफ्ते के बाद आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर 1 से 2 हफ्ते के बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, और वहां पे आपके जैसे मार्क्स होते हैं, जैसी रैंक आई होती है, इन सब चीजों के बिहाव पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो इस तरह से आईपीयू में बीसीए के कोर्स में एडमिशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो आईपीयू के अंदर टोटल 27 कॉलेज है जहां पे बीसीए का कोर्स ऑफर किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ टॉप कॉलेज के नाम बताऊं तो इसमें आपका आता है एआईटी, विप्स, जिम्स, एमएसआईटी, आईआईटी, ये कुछ टॉप कॉलेज हैं। बाकी अगर यहाँ पे मैं सीटों की बात करूं तो यहाँ पे हर कॉलेज में सीटें अलग अलग होती हैं, पर अगर मैं आपको जोड़ के सारे कॉलेज का टोटल बताऊं तो यहाँ पे करीब 2500 के आसपास सीटें रहती हैं। वहीं पे अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे फीस आपकी एक साल की जो फीस है, वैसे फीस हर कॉलेज की अलग अलग रहती है, पर अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं एक साल की फीस, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि करीब जो फीस है हर कॉलेज की वो 60,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, और ये करीब करीब 1 lakh rupees पर ईयर तक फीस जा सकती है। फीस हर कॉलेज की अलग अलग रहती है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं, और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है, और किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए फिर आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आईपीयू बीसीए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल में काफी कुछ आपके काम का है। उसी आर्टिकल में नीचे ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, बाकी आपको कॉलेज के नाम,
इसकी फीस कितनी है, सीटें कितनी है, कट ऑफ कितनी है, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, तो एक बार आप उसको जरूर चेक कर लेना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आईपीयू के बीसी कोर्स के बारे में। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।